स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से भी ये बात उनको पहुँचाना चाहूँगा कि अवैध कॉलोनियों में ना तो आप घर खरीदें, ना प्लॉटिंग करें, ना प्लॉट के लिए आप आवेदन करें। जो भी आप लोगों की टाउन के प्राइवेट डेवलपर लेकर आता है उसको एक लेआउट डालना होता है RDA के क्षेत्र में, अगर वो सीमा में आता है, और उसी का जो हम लोग उसी से डेवलपमेंट की लेते हैं उसी में आप लोग क्या कहते हैं प्लॉट वगैरह लेते हैं। अभी मैं RDA का भी रिव्यू करूँगा। और जो बात रही टाउनशिप की कि RDA को टाउनशिप नहीं ले रहा है, तो ये मेरा आप लोगों को प्रयास रहेगा कि जो एक स्कीम है सरकार की मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, उसके तहत सरकार टाउनशिप बनाने के लिए प्राधिकरण को बजट देती है। जो भी प्राधिकरण अपना प्रपोजल वहाँ भेजता है उसको स्वीकृति मिलती है। अभी RDA ने अपना प्रस्ताव नहीं भेजा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस पर हम लोगों ने कार्य चालू कर दिया है और इसी हफ्ते के अंत तक हम एक तो लगभग 50 से 100 हेक्टेयर का पैच चिन्हित करके और उसका अगले 7 दिन में प्रपोजल मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण स्कीम के तहत शासन को भेजेंगे। हम लोगों ने बरेली में भी ग्रेटर बरेली का प्रपोजल भेजा था, 680 करोड़ लोगों को मिला था। और एक शर्त ये होती है कि जो सरकार से जितना आपको बजट आवंटन होता है उतनी समान एक जो राशि है वो प्राधिकरण को भी खर्च करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 करोड़ रुपया शासन से मिला है तो 100 करोड़ प्राधिकरण को खर्च करना होगा। लेकिन स्थिति ये कि RDA के पास उतना धन है नहीं। उसका भी मैंने इंतजाम किया है, उसका ये इंतजाम किया है कि हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण से लोन लेंगे। तो जितना हम लोगों का प्रपोजल बनता है टाउनशिप का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारी जो टाउनशिप का 400 करोड़ का प्रपोजल बनता है तो 200 करोड़ हमको शासन से मिलेंगे और 200 करोड़ ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो 200 करोड़ हम लोग क्या कहते हैं BDA से लोन ले सकते हैं। और उसका भी मैंने प्रपोजल पूरा तैयार अगले हफ्ते या 14 दिन के अंदर निश्चित रूप से RDA एक टाउनशिप लेकर आएगा और बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप होगी। जैसा आप लोग क्योंकि समीपवर्ती ही जिला है बरेली, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कीम है वो बहुत ही सुंदर जी बड़ी जी। सर अवैध रूप से कई कॉलोनियाँ शहर में बसाई जा चुकी हैं या कुछ अधूरी पड़ी हैं जो लोग अवैध रूप से कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, क्या करते हैं? अरे कुछ प्लानिंग जी स्पष्ट निर्देश है। देखिए दो इसके पहलू हैं कि एक होता है फ्रेश प्लॉटिंग कि आपने सड़क डाली, आपने खंभे लगाए, उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा एक पहलू आता है कि मान लीजिए कि किसी ने प्लॉटिंग करी, उसमें कुछ लोगों ने घर बना लिए, वो एक मानवीय दृष्टि से एक पहलू आता है कि किसी के घर उजाड़ना नहीं चाहिए। वैसी स्थितियों में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस हिस्से को भी व्यवस्थीकरण किया जाए जिस पर नहीं लगाए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जितने भी डेवलपर हैं, जितने भी कॉलोनाइजर हैं, वो मैप डालें, वो लेआउट डालें RDA में, उनके लेआउट पास होंगे और अपनी कार्रवाइयाँ बेचें। और कहीं ना कहीं ये भी आप लोग मानते हैं कि जो अप्रूव्ड कंपनी होती है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है जरिए और उसको अपनी तरफ से कोई पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना होता डेवलपर को, वो अपने रेट बढ़ा देता है और वो कस्टमर से लेता है। तो जितनी भी अगर कॉलोनियाँ हैं जो फ्रेश स्टेज पर हैं तो निश्चित रूप से आपको आगामी समय में ध्वस्त होती हुई मिलेगी। सर जो लोग अवैध रूप से निर्माण कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो लोग अवैध रूप से निर्माण कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए जैसा मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी शहर का एक मास्टर प्लान होता है, उसका लैंड यूज होता है, सर्टेन लैंड यूज निर्धारित करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ बनेगी, यहाँ पर ये चीज़ बनेगी। जैसे कि कमर्शियल तो कमर्शियल बनेगा और रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल बनेगा। जितने भी बड़े भवन हैं, जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पहले हमारे टारगेट पर वही रहेंगे कि वो लीगल तरीके से अपनी फीस जमा करें RDA में और अपने आप को लीगल कराएं। उनके लिए मौका दिया जाएगा कि वो अपना फीस जमा करें। यही हम लोगों ने बरेली में भी किया था। हम लोग यहाँ किसी का ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है कि किसी का घर बनाया, किसी की बिल्डिंग बनी उसको ध्वस्त कर दें। उसको मौका है कि भाई अगर आपकी फीस बैठी है आप अपना फीस जमा करा दीजिए, 50 लाख आपकी अगर फीस बैठ रही है तो आप किस्तों में जमा करा दीजिए। ये मौका सबको दिया जाएगा, इससे आप ही के शहर को फायदा होने वाला है। RDA जिस दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पाएगी, जिस दिन उसके पास वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, उसका खर्चा RDA रामपुर का ही करने वाला है। बरेली में 6 लेन 4 लेन बने, बरेली में पार्क बने, तो वो बरेली की जनता के ही पैसे से बने। तो जो भी पैसा यहाँ पर जितने बड़े भवनों का नक्शा पास नहीं है, लेआउट पास नहीं है, वो कृपया करके नक्शा जरूर डालें। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई विवाद
या कोई भी दिक्कत आएगी नक्शा पास कराने में तो उसके लिए हम लोग हैं, उसको पास कराया जाएगा। मेरा शहरवासियों के लिए यही निर्देश है कि अथॉरिटी को थोड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि अथॉरिटी शहर को सुंदर बनाती है, अवैध निर्माण शहर को गंदा बनाता है। पतली पतली गलियाँ हो जाती हैं, फिर वहाँ पर सीवर नहीं बन पाता, फिर वहाँ पर नाली नहीं बन पाती है, पार्क नहीं बन पाता है, स्कूल नहीं बन पाता है। तो जितने भी डेवलपर फॉर नजर हैं, कृपया करके लेआउट सेंक्शन कराते ही कॉलोनी काटें। लेआउट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर RDA में पास होता है, उसकी ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन OB पास पर नक्शा डाला जाता है और वह समयबद्ध होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, समयबद्ध उस पर रिपोर्ट लगती है। मैंने RDA को और मजबूत बनाने के लिए शासन को पत्र लिखा है कि यहाँ पर स्टाफ की तैनाती और बढ़ाई जाए और हमको एक एक्सियन अटैच करके बगल के जिले से दिया जाए। सर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं आम जनता की, दो विभागों से हैं, एक बिजली विभाग, दूसरा पूर्ति विभाग। देखिए, पूर्ति विभाग का जो समस्या है वो राशन कार्डों से लेकर है। आपको यह ज्ञात होगा कि आप जिले में सिंगल स्टेज के द्वारा ही राशन दुकानों को पहुँचता है। पहले यह था कि आपके ब्लॉक गोडाउन में जाता था, वहाँ से उठ के आता था। दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो राशन कार्डों की है। उस पर मेरे द्वारा निर्देश DSO साहब को दिए गए हैं और आपको उसका रिजल्ट आगामी सर बिजली विभाग की किस तरह की जो जन समस्या है, कई विभागों में निमित्त आए हैं, लोग परेशान होते हैं, लोगों से क्या अपील उस तरह की, क्योंकि आप परिवार सर लोगों को कुछ परेशानी है, लोगों को परेशानी है तो आप अपनी समस्या लेकर आए। असंतुलन है और जिले भर में हमारे तमाम साथी बैठे हरे भरे बात रोज कर रहे हैं। कल ही कुछ उसके पकड़े, 28 पेड़ काट दिए गए, तत्काल FIR होगी। हाँ, तो जो ये है यहाँ पर आसपास तत्काल कोई भी अवैध काम, तत्काल FIR होगी, तत्काल मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, जिस पर आप निश्चित रहिए। मोहल्लों में जगह जगह कीचड़े हैं नालों में। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी ज्वाइन किया है, मीटिंग भी हुई है, सफाई भी चालू हुई है, सफाई दिखेगी कुछ दिन बाद, आपको सुनवाई भी, जल्द सुनवाई भी दिखेगी और सफाई भी दिखेगी, क्योंकि शहर काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा है और नगर पालिका के हिसाब से ये शहर काफ़ी बड़ा है, संसाधन देख लेते हैं और मैंने वहाँ पर भी रेवेन्यू बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि हाउस टैक्स अलग चीज़ है, कमर्शियल टैक्स अलग चीज़ है। बहुत से बड़े बड़े भवन, बहुत सी कमर्शियली बिल्डिंग है जिन पर नगर पालिका टैक्स नहीं लगा रही है, तो आपको आगे देखने को मिलेगा वो लोग टैक्स देना चालू करें। सर, रामपुर एक माइनिंग का बड़ा एरिया है, तो माइनिंग से क्या रेवेन्यू बढ़ाने की कुछ और प्रॉब्लम माइनिंग में उसी रेशो में बढ़े? माइनिंग में मैं आपको बता रहा सिर्फ और स्पष्ट निर्देश है, आपको जो भी कार्य करना है माइनिंग विभाग में लीगल तरीके से करिए, आप अपना पट्टा अप्लाई करिए। ओवरलोडिंग, इलीगल माइनिंग कतई बर्दाश्त नहीं है, टीमें लगातार रहते हुए आदेश जारी किए जा चुके हैं और किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की जो माइनिंग की स्थिति है वो आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी।